बुलेटिनची सुरुवात करूया एका ब्रेकिंग बातमीनं. अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी यांचा संशयास्पद परिस्थितीमध्ये मृत्यू झालेला आहे. महंत गिरी यांचा वाघंबरी मठामध्येच मृतदेह आढळलेला आहे. त्यांनी आत्महत्या केल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचं पोलिसांनी म्हटलंय. त्यांच्या मृतदेहाशेजारी एक सुसाईड नोट आढळली आहे. ही सुसाईड नोट मृत्यूपत्राप्रमाणेच होती आणि त्यामध्ये मठाच्या उत्तराधिकाऱ्यांपासून अनेक गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. एका शिष्याच्या वागणुकीमुळे दुखी होते असंही या सुसाईड नोटवरून स्पष्ट होत असल्याचं पोलिसांनी म्हटलंय. या प्रकरणी पोलीस आता सर्व बाजूंनी तपास करतायत. दरम्यान नरेंद्र गिरी यांचा त्यांचे शिष्य आनंद गिरी यांच्याशी वाघंबरी मठावरून वाद सुरू होता. दरम्यान नरेंद्र गिरींच्या मृत्यूमुळे उत्तर भारतातील आध्यात्मिक क्षेत्राला मोठा आदरा बसलाय. नरेंद्र गिरी भारतातील अनेक राजकारण्यांचेही गुरु मानले जातात. कि महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए हैं. मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है. यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी. इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है. उन्होंने आत्महत्या की लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे. मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि महाराज जी आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आत्महत्या की है, किसी ने ऐसी परिस्थिति की है, पैदा की है, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा. कोई जाँच की जरूरत पड़ेगी, वो हर जाँच की जाएगी, लेकिन अभी तो मैं समाचार से ही बहुत दुखी हूँ. फोर्स कुछ कहने नहीं देता, लेकिन जिस तरह से महसूस होता है कि वह उनके साथ कोई ट्रेजडी हुई है और ट्रेजडी के खिलाफ प्रशासन को सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो सनातन धर्मियों के साथ ये जो दुर्व्यवहार होता है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. हम लोग इसके लिए आंदोलित होंगे. हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी की जो बारे में सूचना अभी आई है वो बड़ा ही मर्माहत करने वाला है. जिस प्रकार से खबरें आ रही है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, ये समझ से परे है. कोई भी संत जो संघर्ष से निकला हुआ है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा. वो तो दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है. संत तो दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन को आगे ले चलने की प्रेरणा देते हैं. तो इसलिए हम इस पर बड़ा ही हतप्रद हैं, आश्चर्यचकित हैं. ये संत समाज का बहुत ही अपार, सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा क्षति है. तो इस बहुत बड़ा दुखद समाचार है. तो मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए. दरम्यान आनंद गिरी यांनी महंत नरेंद्र गिरी हे आत्महत्या करू शकत नाही, त्यांची हत्या झाल्याचा गंभीर आरोप केलाय. हे एक षडयंत्र असून आपल्याला त्यात नाहक गुंतवलं जात असल्याचंही आनंद गिरी यांनी म्हटलंय. दरम्यान पोलिसांनी आनंद गिरी यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है. हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा. ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए, जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है. उन्हीं की हत्या में जानबूझकर के मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं. नरेंद्र गिरी महाराजांच्या मृत्यूनंतर पंतप्रधान मोदींनी ट्वीट करत दुःख व्यक्त केलंय. काय म्हटलंय पंतप्रधानांनी बघूयात. अतिशय दुःखद घटना आहे. त्यांनी आध्यात्मिक परंपरा जपली, संत समाजाला एकजूट करण्यात मोठी भूमिका बजावली, त्यांना प्रभूचरणी स्थान मिळू दे. आपण बघतोय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा ट्विट करून दुःख व्यक्त केलेलं आहे. आपण बघतोय नरेंद्र गिरी आत्महत्या करू शकत नाहीत असा
दावा सुद्धा त्यांच्या शिष्याने केलेला आहे।